जय हिंद। सेना का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है इन्फेंट्री। आसान शब्दों में अगर इन्फेंट्री को डिफाइन करना हो तो हम कह सकते हैं पैदल सेना, मतलब वो सेना जो जंग के मैदान में पैदल चलती है, किसी व्हीकल या गाड़ी में बैठकर नहीं। सबसे ज़्यादा जोखिम जो सहते हैं वो इन्फेंट्री के जवान ही होते हैं, क्योंकि वो एनिमी फायर का सीधे मुकाबला करते हैं। जो भी कार्रवाई इन्फेंट्री बैटल फील्ड में करती है वो एक सिद्धांत पर आधारित होती है, जिसको बोलते हैं फायर एंड मूवमेंट। हम आपको दिखाएंगे कि कैसे इन्फेंट्री का एक सेक्शन बैटल फील्ड में आगे मूव करता है। एक सेक्शन में 10 जवान होते हैं। यहाँ मेरे साथ एनसीसी की 10 कैडेट्स हैं, जो कि एक सेक्शन है। इसमें सबसे पहले हम एक सेक्शन कमांडर निकालेंगे जो कि पूरे सेक्शन को लीड करेगा। सेक्शन कमांडर फॉल आउट। आप हो सेक्शन कमांडर, आपका काम है अपने पूरे सेक्शन को कंट्रोल करना और कमांड करना। अच्छा, सेक्शन कमांडर को हेल्प करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए एक 2IC होता है, तो हम एक 2IC भी निकालेंगे। 2IC आ जाओ। तो ये है सेक्शन 2IC, आप प्लीज वहां पे खड़े हो जाइए। इसके अलावा सेक्शन में 2 गाइड होते हैं जो कि पूरे सेक्शन के सबसे आगे रहते हैं, कम से कम 15 या 20 मीटर आगे ये 2 गाइड रहते हैं, और ये अपनी नजर को और अपने कानों को एकदम चौकन्ना रखते हैं। इनको पूरे सेक्शन की आंख या कान भी कहा जाता है। तो हम यहाँ से 2 गाइड निकालेंगे। आप दोनों आ जाओ, आप गाइड बनोगे, ठीक है? आप यहाँ चले जाओ। सेक्शन में एक LMG ग्रुप भी होता है जिसको सपोर्ट ग्रुप भी कहा जाता है। इसमें हम 2 सोल्जर्स निकालेंगे जो कि LMG ग्रुप है। आओ। इनके पास ऑटोमेटिक हथियार है जिसकी रेंज बहुत बड़ी है, कम से कम 500 मीटर या 1000 मीटर की रेंज है। तो दूर से होने वाला एनिमी फायर उसका जवाब ये देते हैं, और ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं रेस्ट ऑफ द फॉर्मेशन को। सेक्शन के अंदर एक RL ग्रुप भी होता है, मतलब रॉकेट लॉन्चर ग्रुप। तो यहाँ पे 2 सैनिक हैं, आइए, आप हैं RL ग्रुप। इनका काम है बम फेंक कर एनिमी को सरप्राइज करना। जब सेक्शन एनिमी के काफी करीब पहुंच जाता है और असॉल्ट ग्रुप रेडी होता है एनिमी को, मतलब किल करने के लिए, उस समय ये लोग बम फेंक कर पहले एनिमी को सरप्राइज करते हैं, ताकि वो इतना डर जाएं कि उन्हें पता ना चले कि अभी हम क्या करें। और जब तक कि वो इतने कंफ्यूज्ड हैं, यहाँ पर असॉल्ट ग्रुप जाकर धुआंधार फायरिंग करके एनिमी को किल करता है। आइए, आप वहां मिल जाइए। सेक्शन में 2 राइफल मैन भी होते हैं जिनको असॉल्ट ग्रुप भी कहते हैं। आप आगे आइए। यू विल फॉर्म द असॉल्ट ग्रुप। राइफल मैन का क्या काम है? जब वो एनिमी के काफी करीब पहुंचे हैं, वो अपनी फायरिंग से, उनको एम नहीं लेना, अपनी बंदूक को यहाँ पर हिप के पास में पकड़कर लगातार जहां मौका पड़े वहां फायर कर डालना है कि कोई भी एनिमी बच ना पाए। तो इनका जो एक्शन है उससे जस्ट पहले बॉम्ब फेंका गया होगा, RL ग्रुप द्वारा। वहां पूरा धुआं, आग, ये सब, कुछ लोग तो उसी में मर जाएंगे। जो रहे सहे हैं ये अपने हथियार द्वारा या फिर अपने बेनेट द्वारा उनको किल करते हैं। चलिए, आप यहां मिल जाइए। यहां मैंने आपको बता दिया है कि सेक्शन के जो 10 बंदे होते हैं उनका क्या क्या रोल होता है। यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा कैडेट हमने ले रखे हैं जो कि हमारा एनिमी का रोल प्ले करेंगे। आप यहाँ पर दुश्मन का रोल प्ले करोगे, इनके साथ फाइट करना, ठीक है? ये एक बैटल फील्ड है। आप सामने देख रहे हैं वो येलो कलर का जो एक कपड़ा दिखाई दे रहा है, उसको हमने बनाया है एनिमी पोस्ट। वहां पे 2 एनिमी हथियार के साथ बैठे हुए हैं। अब यहाँ अगर आप इस तरफ दाहिनी तरफ देखें तो वहां पे हमारा सेक्शन है। अब उस सेक्शन को, एनिमी पोस्ट को खत्म करना है, तो ये कैसे होगा? ये फायर एंड मूवमेंट के सिद्धांत को यूज करते हुए होगा। ये किस तरह से करते हैं हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पे हमारा सेक्शन है, सबसे आगे जो 2 सैनिक दिखाई दे रहे हैं ये हमारे गाइड हैं। तो सबसे पहले गाइड मूव करते हैं, रिमेनिंग जो सेक्शन है वो पीछे रहता है। उनको पता है सामने एनिमी की पोस्ट है, तो वो देखेंगे कहाँ पे आड़ है, कहाँ पे कवर लिया जा सकता है, और वहां अपने आप को छुपा कर पोजिशन ले लेंगे। गाइड करके दिखाओ। आप देख सकते हैं हमारे 2 गाइड हैं, दोनों ने आड़ ले ली है, तो ये उनके व्यू से अपने आप को कवर कर चुके हैं। साथ में उनके फायर से भी कवर मिल रहा है, बिकॉज ये सख्त है, यहाँ से फायर नहीं आ पाएगा। अगर झाड़ी वाड़ी हो तो वहां पे कवर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वहां से फायर आ सकता है। अब फायर का एक्शन करो। आप देख सकते हैं कि वहां पे एनिमी फायर कर रहा है। अब वहां उनको फायर सुनाई दे गया है। जैसे ही वहां से एनिमी का फायर आता है,
वैसे ही गाइड एक्शन से बताता है वहां सेक्शन कमांडर को कि वहां से फायर आ रहा है। देखिए किस तरह से होता है, एक्शन हो गया है तो सेक्शन कमांडर दौड़ के आएगा, उसने उनको रिमेनिंग को पिन डाउन कर दिया है। सेक्शन कमांडर यहाँ पे आ रहा है। दुश्मन का फायर कहाँ से आया? सेक्शन कमांडर सामने देख, 12 बजे की लाइन 200 मीटर दुश्मन के LMG का फायर आया, सीन और नॉट सीन? सीन, बस पॉज। अभी आपने देखा कि किस तरह से गाइड ने सेक्शन कमांडर को बताया कि फायर कहाँ से आया है। अगर आप सामने देखें तो जहाँ पर गाइड है वहाँ से एनिमी का पोस्ट जो है 12 बजे की लाइन है और वहीं से फायर आया हुआ है, तभी उसने बोला 12 बजे की लाइन। उसके बाद उसने बोला 200 मीटर क्योंकि वहां से ये डिस्टेंस लगभग 200 मीटर है, मतलब अज्यूम हम कर रहे हैं 200 मीटर है। इसके बाद सेक्शन कमांडर वापस अपने सेक्शन के पास जाएगा और उनको आदेश देगा। सेक्शन तो ऐसी सपोर्ट ग्रुप को लेके मूव करो, आरएल एलएमजी मेरे साथ मूव करो। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गाइड के साथ यहाँ पर हमारा आरएल ग्रुप और एलएमजी ग्रुप आर ले चुका है। अब ये जाकर अपनी पोजीशन लेंगे। सामने एनिमी की पोस्ट है लेकिन ये पोजीशन साइड की तरफ लेंगे, ना कि स्ट्रेट। स्ट्रेट मूवमेंट होता है असॉल्ट ग्रुप का, जो सपोर्टिंग ग्रुप है वो यू नो दाएं या बाएं तरफ मूव करता है। अब आप देखेंगे कैसे सेक्शन 2IC सपोर्ट ग्रुप को पोजीशन लेने के लिए कहता है। LMG ग्रुप मकान की हरी झंडी की बाई तरफ पोजीशन लो। ये देखिए ये LMG ग्रुप जा रहा है पोजीशन लेने के लिए, वहां पर वो पोजीशन ले रहा है। ये देखिए उन्होंने अपने आप को कवर कर लिया है। जब तक वो यहाँ पर मूव कर रहे थे उस दौरान यहाँ पे जो हमारा रिमेनिंग ग्रुप है ये लगातार फायर कर रहा है। फायर करो, ये लगातार फायर कर रहा है ताकि दुश्मन को लगे कि यहीं पर फायर हो रहा है और वो अपना कॉन्सेंट्रेट यहाँ करे। और जब वो यहाँ फोकस करे उस दौरान उन लोगों को दौड़कर वहां जाकर पोजीशन लेने का चांस मिल रहा है। ओके, जब LMG ग्रुप ने एक बार यहाँ पर पोजीशन ले ली, अब उनको और करीब पहुंचना एनिमी पोस्ट है तो दौड़कर जाकर अभी वहां पर ये लोग पोजीशन लेंगे। तो जब ये मूवमेंट कर रहे हैं उसी दौरान वहां से हमारा RL ग्रुप मूव करके इनकी पोजीशन ले लेगा। तो ये दोनों हरकत साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ होती है। अभी देखिए ध्यान से कैसे हो रहा है। आप देख सकते हैं RL ग्रुप ने यहाँ पोजीशन ले ली है, जिस दौरान LMG ग्रुप ने वहां पोजीशन ली उसी दौरान इन्होंने आकर भी यहाँ पोजीशन ली। अब आप देख सकते हैं 2IC भी इनके साथ है। अगले स्टेप में 2IC यहाँ पर RL ग्रुप को लेकर वहां जाएगा जहां पर ऑलरेडी LMG ग्रुप बैठा हुआ है। आपको मैं एक बार फिर से बता दूं, जब ये कार्रवाई होगी उस दौरान लगातार वहां से असॉल्ट ग्रुप फायर करता जा रहा है ताकि एनिमी का पूरा ध्यान यहां पर है और इन लोगों को मूवमेंट करने के लिए मौका मिल रहा है। तो देखेंगे कैसे होता है ये। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे सपोर्ट ग्रुप लगातार फायर कर रहा है, वो है एनिमी पोस्ट, वहां से भी लगातार यहाँ पे फायर हो रहा है। तो यहाँ पर इन दोनों का घमासान युद्ध हो रहा है। इस बीच वहां पर जो हमारा असॉल्ट ग्रुप है उसको आगे मूवमेंट करने का मौका मिल जाएगा। अगर आप मेरी बाई तरफ देखेंगे तो वहां पर सपोर्ट ग्रुप लगातार फायर कर रहा है, सामने एनिमी का सारा ध्यान उनकी तरफ है। अब देखिए यहाँ पर हम देखें अगर तो ये है गाइड, वो भी है गाइड, ये है हमारा सेक्शन कमांडर और ये दोनों हमारे असॉल्ट ग्रुप है। अब देखिए आगे क्या होता है। सबसे पहले गाइड मूव करेगा, जाकर आड़ लेगा। देखो ये दो गाइड हैं, ये आगे मूव करके पेड़ के पीछे आड़ ले रहे हैं। एक जब पोजीशन ले लेंगे उसके बाद सेक्शन कमांडर असॉल्ट ग्रुप को लेकर आगे बढ़ेगा। गाइड आड़ ले चुका है और वो बंदूक को दुश्मन की पोस्ट की तरफ किए हुए है। अभी वो इशारा करेगा सेक्शन कमांडर को आने के लिए। चलो, सेक्शन कमांडर इशारा पाते ही आगे मूव करेगा और जो भी उसको आड़ मिलेगी वहां पे जाकर छुप जाएगा। सारा ध्यान उसका एनिमी पोस्ट की तरफ है। आप ये जो हैश देख रहे हैं ये एनिमी पोस्ट के बहुत करीब है और यहाँ पर अब हमारे ये पांचों जो ट्रूप्स हैं आकर पोजीशन लेंगे। गाइड्स, हमारा सेक्शन कमांडर जो वहां आड़ ले चुका है, उसके साथ असॉल्ट ग्रुप, ये सब जाके वहां पर एक लाइन फॉर्म करेंगे और इसी को बोलते हैं फॉर्मिंग अप लाइन। उसके बाद ये असॉल्ट के लिए पूरी तरह रेडी होंगे। देखिए कैसे होती है कार्रवाई। ये देखिए यहाँ पर हमारे गाइड आगे मूव कर रहे हैं और जाकर वहां पर आड़ ले रहे हैं। उसी प्रकार यहाँ पर हमारा सेक्शन कमांडर असॉल्ट ग्रुप को लेकर जा रहा है और इन्होंने भी यहाँ पर एनिमी पोस्ट के सिर्फ सीधे फ्रंट पे इन्होंने पोजीशन ले ली है। अब देखिए वहां पे लगातार जो फायर हो रहा था सपोर्ट ग्रुप का वो अभी बंद होने वाला है। सपोर्ट
सपोर्ट ग्रुप ने फायर बंद कर दिया, क्यों? क्योंकि यहाँ पर असॉल्ट ग्रुप फायर लगातार कर रहा है, तो सपोर्ट ग्रुप को फायर करने की अभी कोई जरूरत नहीं है। आप देख सकते हैं हमारा असॉल्ट ग्रुप यहाँ पे पोजीशन ले चुका है एनिमी के ऊपर फायर करने के लिए। अभी यहाँ पे जो दो हमारे गाइड्स हैं ये और क्लोजर जाएंगे एनिमी पोस्ट के और वहां पे ग्रेनेड फेंकेंगे। अब ध्यान ये रखना है जैसे ही ग्रेनेड ये फेंकते हैं इनको दौड़ के यहाँ पे आना है। ग्रेनेड को फटने में सिर्फ 4 सेकंड का टाइम लगता है, उन 4 सेकंड में इन्होंने दौड़ के यहाँ पर आड़ लेनी है। जरा भी देरी हुई तो ये खत्म हो सकते हैं। तो देखिए ये कैसे होता है, ये देखिए वो गए वहां पे, उन्होंने पोजीशन ली और वो ग्रेनेड फेंकने जा रहे हैं। ये ग्रेनेड फेंका उन्होंने और दौड़ के ये वापस आएंगे और आड़ लेंगे। ग्रेनेड के फेंकते ही हमारा असॉल्ट ग्रुप अटैक के लिए तैयार है, देखिए कैसे। असॉल्ट को धबा, ये देखिए आगे मूव कर रहा है एनिमी को किल करने के लिए।